मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित 67वें खेलोत्सव के समापन समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। ये आयोजन जौहार क्लब मुनियासारी द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्लब को स्कीइंग गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए स्कीइंग उपकरण उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की। वहीं सीएम धामी ने कहा कि जौहार क्लब मुनियासारी खेल मैदान में दर्शक दीर्घा का निर्माण किया जाएगा और बहुउद्देशीय हॉल निर्माण कराए जाने के प्रयास किए जाएंगे। वहीं सरकार ने प्रदेश में नई खेल नीति के तहत ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी पदों पर नियुक्ति का प्रावधान किया है। खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेल संबंधी जरूरतों के लिए छात्रवृत्ति, खेल किट व अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में वर्ष 2022 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाते हुए पहाड़ी जनपदों में मृदा व जलवायु के अनुरूप पौष्टिक अनाज के उत्पादन एवं उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराते हुए उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था की गई है। वहीं समापन समारोह में विधायक हरीश धामी, मनोज तिवारी, विशेष प्रमुख सचिव खेल अभिनव कुमार, संयुक्त सचिव संजय सिंह टोलिया समेत अन्य लोग मौजूद रहे।